अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाल कट गए तो हमारा सपना भी कट जाएगा। सीरीज बाबू ऐसे में सुमन को स्वीकार करेंगे क्या? अरे क्या कर रही हो तुम? वही जो आपको करना चाहिए था दीदी। सुमन के प्रति नफरत में आप ये भी भूल गए कि ये कभी स्कूल की हुई ही नहीं। जो स्कूल की नहीं है उसे परंपराओं के बागडोर कैसे सौंप सकते हैं? समधन जी सही कह रही थी, कुल के देवी देवताओं को नाराज करके उनके प्रकोप का भागीदार कौन बनेगा? हमारा परिवार ही ना, और कौन जाने हमने नंदन को इसी चक्कर में खो दिया। क्योंकि बिना सात फेरों के हमने इसे अपने घर की बहू का दर्जा दे दिया। ये ना ही कभी हमारी बहू थी और ना ही कभी हमारी बहू बन पाएगी। छड़के माँ, माँ छड़के क्या कर रही हो तुम? आप अपनी बेटी को ले जाइए, हमारी बहू नहीं है वो। गलती की माफी चाहते हैं। आप अपने परिवार को लेकर यहां से विदा ले लीजिए।
मां, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए, प्लीज सुरभी मां, सुरभी मां, हमें इस घर से अपनी जिंदगी से और नंदन की यादों से मत जुदा करिए, प्लीज सुरभी मां, हमारी बात सुनिए ना, दरवाजा खोलिए, सुरभी मां, सुरभी मां, आप हमें अपनी बेटी बना कर लेकर आई थी ना इस घर में, एक बेटी के रूप में स्वीकारा था ना आपने हमें, मत करिए ऐसा, प्लीज सुरभी मां, दरवाजा खोलिए, सुरभी मां, नंदन तो हमें छोड़कर चला गया, अब आप तो हमें मत छोड़िए, सुरभी मां, मर जाएंगे ऐसे, प्लीज सुरभी मां, यही हमारा मायका है और यही हमारा ससुराल है, प्लीज सुरभी मां, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, सुमन जाओ यहाँ से, कुछ नहीं सुनना है हमें, जाओ। कहाँ कर रही हो छुटके तुम? ये कहाँ कर रही हो? कहाँ हो गया है तुमको? पहले तुम उस सुमन को अपना बहू बनाती हो, अब उसको नंदन का विधवा मानने को तैयार नहीं हो? कहाँ कर रही हो ये? हैं? अगर समाज को पता लगेगा कि हमारे घर की विधवा बाहर रह रही है, तो कहाँ कहेंगे लोग? और छोड़ो बाहर के लोगों को, हम तो अपने विधवा आश्रम की औरतों के सामने कटघरे में खड़े हो जाएंगे। अरे लो उसको अंदर, चलो। दीदी, अगर वो घर के अंदर आई तो हमारी लाश घर के बाहर जाएगी। नहीं सुरभि मां, प्लीज ऐसा मत कहिए, हम कैसे भी रह लेंगे, हम कुछ भी सह लेंगे, पर आप ऐसी बात मत करिए प्लीज, हम आपको दर्द नहीं देना चाहते सुरभि मां, इससे ना हम चैन से जी पाएंगे ना, नंदन की आत्मा को शांति मिलेगी सुरभि मां, आप यही चाहती है ना कि हम यहाँ से चले जाए, ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे, पर इस घर से सिर्फ हमारा शरीर जाएगा, हमारी आत्मा वही अगर आप लोगों के साथ रहेगी, जो रिश्ता हमने आप लोगों के साथ जोड़ा है वो कभी नहीं टूट सकता, आप जब रसोई में जाएंगे तब हम आपके लिए खाना बनाते होंगे, आप हमें देख नहीं पाएंगे, पर हमारी आत्मा वही रहेगी सुरभि मां, हम दुख के पहाड़ों को पार कर लेंगे, आपके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है हमारी, खुशी की यादें, उदासी की यादें, एक माँ माना है हमने आपको, क्या हम आपको सुरभि माँ बुला सकते हैं? हमारी माँ तो हमें छोड़कर चली गई, पर पहली बार हमें ऐसा लगा था कि हमसे हमारी माँ भगवान जी ने नहीं छीनी है, आप है हमारी माँ, आपके साथ पूरे पटना की सैर की थी हमने स्कूटर पर, आपको सुरभि माँ बोला हमने, लेकिन हाँ सुमन का वादा है आपसे, वो आपको कभी भी दर्द दुख में नहीं देखना चाहेगी, बस आपकी खुशी के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि चाहे दिन का सूरज हो या रात की चांदी, शरीर कभी साए से अलग हुआ है क्या? लेकिन अब से आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? आप कुछ भी नहीं कहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस खुश रहिए, दादाजी, बड़ी माँ, अर्जुन जी, आप सब खुश रहिए, आप सब खुश रहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। नंदनी हम जा रहे हैं, नंदनी हम एक घर छोड़ के जा रहे हैं, सुरभि माँ एक बार गले लगा लीजिए हमें, सुरभि माँ आप हमें सुन रही है ना, नाना जी नहीं मामा बोलिए ना, एक बार बस गले लगा ले सुरभि माँ, हम खुशी खुशी चले जाएंगे, एक बार बस बस बस, चाहे जिसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूटे, हमें तो दौलत का पहाड़ दिखाई दे रहा है, एक बार। चल बेटा, तेरा भाई खड़ा यहाँ, हर पल
हर हालत में तेरे साथ खड़ा है। तू बस चल यहाँ से, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। हाँ नहीं तो क्या सुमन, चल। भले हमारे यहाँ का रिवाज है कि लड़की का कफन बिना उसके ससुराल से आता है, लेकिन जब ससुराल ने ही साथ छोड़ दिया तो सारा मायका है तेरे साथ। चल सॉरी माँ। चल सुमन, जिस घर के दरवाजे से मुझे जाने के लिए कह दिया तेरे लिए नहीं खुले। चल चल सुमन। सुमन का वादा है आपसे, वो आपको कभी भी दर्द दुख में नहीं देखना चाहेगी। बस आपकी खुशी के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि चाहे दिन का सूरज हो या रात की चांदी, शरीर कभी साए से अलग हुआ है क्या? खुद को संभालिए माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हे माता रानी, हमारी सुरभि माँ का ख्याल रखना, उन्हें शक्ति देना। सुमन बहुत मजबूत है माँ, बहुत हिम्मती है, वो संभाल लेगी खुद को। आपने आज अपने मन पे पत्थर रखे, उसे इतने अत्याचारों से आजादी दिलवाई है, क्यों? ताकि वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सके। फिर आप इस तरह रोकर खुद को सजा क्यों दे रही हैं माँ? मुझ पे भरोसा रखिए माँ, आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे भली भांति निभाऊंगा। भरोसा है इसलिए तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती है। हम बेहोश थे, बेहोश होश में आए अंशु, हम क्या कर रहे थे सुमन के साथ? उसे अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल पाएंगे अंशु। सुमन को अच्छी जिंदगी देना तुम्हारी जिम्मेदारी में ना। तुम सुमन के रखवाले बनोगे बेटा, उसकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। मां, सुमन को घर से निकालना सही था, लेकिन गुस्से में आपसे एक गलती हो गई। महान जी को विदा लेने के लिए कहा और सुमन के साथ साथ नंदनी को भी जाने के लिए कह दिया। मां, नंदनी इस घर की बेटी है और शिखर इस घर का दामाद, और नंदनी ऐसे ही चली गई, ना कोई विदाई, ना कोई विदाई की सवारी। ये भगवान, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। सुमन की मां बनते बनते अपनी बेटी नंदनी के प्रति कर्तव्य भी भूल गए। वो भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, देखो। आप चिंता मत कीजिए, आपका अंशुमन है ना आपके साथ, आप बस खुद को संभालिए। ये तो ये मां बेटी का नाटक था, मनोरमा आंटी से सुमन को बचाने के लिए।
गॉड, ये बात है ना मन्नू से छुपाने की नहीं, उस तक पहुंचाने की है। अरे उसको भी तो पता चले कि इस घर में उसकी औकात क्या है, कैसे दीदी का दर्जा दे करके उसको उसकी औकात बताई जा रही है। ये तो अब जाइए ना और अपनी दोस्त मन्नू को बताइए ये खबर चला। हाँ हाँ जा रही हूँ, अब होगा असली रामायण और मजा आएगा हम देखने वालों को। गॉड, वो हम मजे बाद में लेना, पहले चल। हाँ चल, बताइए। बहू तो बहू, बेटी को भी राय बहादुर खानदान ने सड़क पे बैठने के लिए छोड़ दिया। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन संस्कार कौड़ी भर का नहीं है। नहीं है और क्या, सही बात बोलने में क्या है। बहुरिया, मामी, उस घर के संस्कार और मर्यादा कभी नहीं मर सकते। वो देखिए अंशुमन जी आ गए। मान जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मां वैसी बिल्कुल भी नहीं, शायद नंदन के जाने के बाद वो वैसी हो गई। सुमन हमारे घर की बहू है और नंदनी हमारे घर की बेटी, हम इन्हें ऐसे कैसे विदा कर सकते हैं। आप सबसे बड़े हैं मान जी, अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आप सबको सुल्तानगंज छोड़ने जाना चाहता हूं। अंशुमन जी हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? नजरें मिल गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा सुमन। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में एक सवालों का तूफान उठ रहा होगा और शायद मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब ना हो। अंशुमन जी, आपको सुरभि मां ने ही भेजा है ना? नंदनी राय बहादुर खानदान की बेटी है और शिखर दामाद, अब इन दोनों को ऐसे विदा कैसे किया जा सकता है, इसलिए मुझे भेजा है। और तुम? अंशुमन जी, कार रुकिए। क्या हुआ सुमन? अंशुमन जी, हमने कहा कार रोकी। सुमन, लेकिन गाड़ी रोकी अंशुमन जी। सुमन, 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 क्या हुआ सुमन? तुम इस तरह गाड़ी से क्यों निकल आए? एक बार मेरी पूरी अंशुमन जी, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आप राय बहादुर खानदान की बेटी को उसके ससुराल पहुंचाइए और हाँ, ये भी देखिएगा कि उस घर के दामाद को भी कोई तकलीफ ना। हम कौन हैं? हम ना उस घर की बेटी हैं ना उस घर की बहू, लेकिन हम सुमन तो है ना, इसलिए हम घर पैदल ही जाएंगे। सुमन, क्या कर रही है सुमन? ऐसे कैसे पैदल जाएगी? और मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना, चल गाड़ी में बैठ जा। हाँ नंदनी, लेकिन ये सुरभि माँ और उनकी बेटी के बीच की बात है, इसमें ना हम अपनी दोस्त की सुनेंगे और ना भाई की। सुमन, शिखर, तुम गाड़ी संभालो, मैं समझाता हूँ उसे। सुमन, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मन्नू कि सुरभि जी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी। अरे तुम्हारी बिल्ली और तुमसे ही म्याऊं कह रही है? सुरभि जी बहुत होशियारी से ये काम कर रही है। अरे तुम्हारी हैसियत छोटी पड़ रही है मन्नू।
छोटके वहीं रुको। राय बहादुर खानदान का बहू होकर तुम राय बहादुर खानदान का मान मर्यादा के साथ ऐसा खिलवाड़ करोगी, ये हम कभी सोचे नहीं थे छोटकी। आज तुमने बाऊजी हमारे खानदान और सबके मान को ठेस पहुंचाया है। ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे उस सुमन के चक्कर में तुम्हारा संस्कार इतने निचले स्तर का हो गया कि तुमको अपना गलती का एहसास तक नहीं। जी हाँ, जबरदस्ती तुमने नाटक किया सुमन को इस घर से बाहर निकालने के लिए, है ना छटकी? दीदी जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दीदी सुमन अभी बच्ची है, जीवन में देखा ही क्या है उसने। और दीदी हमारी अंतरात्मा उसके कष्ट नहीं देख पा रही है। दीदी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो जीवन में खुश रहे, अपना जीवन अपने तरीके से जीने में सक्षम रहे, बस। ए छोटकी, तुम्हारा अंतरात्मा उस समय कहां मर गया था कि जब हम विधवा हुए थे? तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा था जब हम विधवा धर्म अपना रहे थे? तब हमको तुमने क्यों नहीं रोका था, बोलो ना छोटकी? हम भी तो उस समय छोटे थे, हैं? हमको क्यों नहीं रोका था, बोलो।